हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी पे, जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है क्लास 9 से 12 तक की एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड का सुपर फास्ट रिवीजन, और साथ में ही हम बात करेंगे कि नीट में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई ऑन पढ़ाई गिरी। बच्चों, अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब हम फाइनली हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, द लिविंग वर्ड। सो सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में बात करें तो बायोलॉजी टू वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस से मिलकर बनी है। बायोस मीन्स है लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। सो बायोलॉजी क्या हो गई? स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। इसके बाद हमारे पास बायोलॉजी की दो डेफिनेशन है। फर्स्ट है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। एंड सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास कि बायोलॉजी क्या है, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। उसके बाद हम बात करें कि फादर ऑफ बायोलॉजी, सो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस, एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल। अब नेक्स्ट हमारे चैप्टर पे आते हैं हम फाइनली कि लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग। सो लिविंग के लिए हमारे पास कुछ एक करेक्टर्स हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट है ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिफ्थ है कॉन्शियसनेस। अब इन फाइव करेक्टर्स को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज नॉन डिफाइनिंग फीचर एंड सेकंड इज डिफाइनिंग फीचर। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉन डिफाइनिंग फीचर्स एंड दीज थ्री आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करें कि डिफाइनिंग फीचर्स क्या है, तो ऐसे करेक्टर्स होते हैं जिनका कोई एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं होता, तो उन्हें हम कहेंगे डिफाइनिंग फीचर। अब हम फर्स्ट फीचर की बात करते हैं, दैट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होगा? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। एंड ग्रोथ किसका रिजल्ट होगा? मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म में कौन सी रिएक्शन होगी? फर्स्ट होगी कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड सेकंड होगी एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक मींस डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन एंड एनाबॉलिज्म मींस सिंथेटिक रिएक्शन। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एनाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा हो जाए एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस कम हो जाए तो क्या होगा? ग्रोथ। एंड अगर ऑर्गेनिज्म में एनाबॉलिक रिएक्शंस कम हो जाए एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? डीग्रोथ या फिर निगेटिव ग्रोथ। अब हम ग्रोथ के टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो ये क्या हमेशा किस में होगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी एंड इनसाइड ऑफ द बॉडी होगी। सेकंड हम बात करें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, तो ये होगी हमेशा एक्सटर्नल पार्ट्स में या फिर एक्सटर्नल साइड आउटर साइड में होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के। तो ये मोस्टली एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कौन शो करेगा? ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटिंक्शन ग्रोथ को शो करेंगे। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था रेत के टीले का। उसके बाद हम बात करते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो जो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ये मोस्टली किस में प्रेजेंट होगी? प्लांट्स में। सेकंड है डिटर्मिनेट ग्रोथ, ये किस में प्रेजेंट होगी? एनिमल्स में। और कैसे होते हैं ये? लिमिटेड ग्रोथ होती है, मीन्स एक टाइम के बाद में ग्रोथ है वो कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं, देखो मैंने एक आपको नोट दे रखा है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में। सो हमारे पास क्या है कि ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग फीचर। अगर हम नीट में सिंपल क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ क्या है, तो उसका आंसर हमारे लिए क्या होगा? नॉन डिफाइनिंग फीचर। एंड अगर क्वेश्चन आता है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, तो वो हमारे पास क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्योंकि इंट्रिंसिक मीन्स क्या होगा? इंटरनल। अब इंटरनल ग्रोथ तो तभी होगी जब कोई ऑर्गेनिज्म कैसा हो? लिविंग। तो ग्रोथ क्या थी हमारे पास? नॉन डिफाइनिंग, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो हमारे पास क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से नीट में, सो आप इसे माइंड में रखिएगा। अब सेकंड हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन भी क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ और प्रोजेनी। अब ये कभी भी रिप्रोडक्शन है वो नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होगा। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों कैसे होते हैं? एक्स
एक्सक्लूसिव इवेंट्स मीन्स दोनों अलग अलग इवेंट होते हैं, लेकिन वही हम अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो ग्रोथ एंड जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होंगे, सिनोनिम्स या फिर सेम होंगे। एग्जाम्पल ये हमने बैक्टीरिया का, तो हमने देखा था कि ये हमारे पास पैरेंटल बैक्टीरिया है, अगर ये ग्रोथ भी करना चाहेगा तो इसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस में डिवीजन होगा जिससे टू न्यू डॉटर सेल्स बन जाएंगी। सो इसमें ग्रोथ भी यही है एंड इसमें रिप्रोडक्शन भी यही है। अब हमारे पास देखो जो एक्सेप्शन है, हमेशा क्वेश्चन यहीं से आता है कि हमने नॉन डिफाइनिंग क्यों बोला है, तो उसके पीछे कोई रीज़न तो होगा ना। तो नीट में सेकंड क्वेश्चन हम इस चैप्टर से यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमने अभी बात की कि रिप्रोडक्शन किस में प्रेजेंट होगा, हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को शो ही नहीं करते, क्योंकि वो कैसे होते हैं, स्टीराइल होते हैं। तो एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट है म्यूल, सेकेंड है स्टीराइल ह्यूमन कपल एंड थर्ड है वर्कर बीज। सो ये एग्जाम्पल अपने पास ऐसे हैं जिसमें लिविंग होते हुए उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रिप्रोडक्शन है वो एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों है, इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि रिप्रोडक्शन है वो एक क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर। अभी इसके बाद हम बात करें कि रिप्रोडक्शन है उसके टाइप्स। सो फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल में क्या होगा, इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन भी नहीं होगा, जब गैमेट नहीं बनेंगे तो फ्यूजन भी नहीं होगा एंड फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके कुछ एक मेथड्स हैं, फर्स्ट है बाय बडिंग, किस में होगा, यीस्ट एंड हाइड्रा में। सेकंड है एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू, किस में होगा, एल्गी एंड फंजाई में। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, किस में होगा, फिलामेंटस एल्गी एंड फंजाई में। अब देखो नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि ट्रू रीजनरेशन एंड रीजनरेशन। फर्स्ट हम देखेंगे रीजनरेशन को। सो रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट है वो लॉस्ट हो गया है, तो उस लॉस्ट बॉडी पार्ट का ही वापस से रीजनरेट होना, तो क्या है हमारे पास, रीजनरेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टारफिश एंड लीजर्स, हम घर में देख सकते हैं कि जो लीजर्स हैं उनमें ऑलमोस्ट जो टेल है वो उनकी गिर जाती, लेकिन कुछ टाइम के बाद वापस उनमें टेल है वो रीजनरेट हो जाती है। तो ये एग्जांपल तो हो गया रीजनरेशन का। और अगर ट्रू रीजनरेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो उसका हर एक फ्रेगमेंट क्या बना लेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये है हमारे पास ट्रू रीजनरेशन। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया। अब नेक्स्ट हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि इसमें क्या होगा, गैमिट्स का फॉर्मेशन भी होगा और इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी होगी, इनके थ्रू जो न्यू प्रोजेनी बनेगी वो ही हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अब तक हमने बात की थी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की, जिससे हमने टू क्वेश्चंस देखे थे। फर्स्ट देखा था ग्रोथ से, इंट्रिंसिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट देखा था, एंड सेकेंड की रिप्रोडक्शन है उसे नॉन डिफाइनिंग क्यों बोला, कुछ एक हमने एक्सेप्शन देखे थे। अब हम थर्ड करेक्टर पे आते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म है, ये क्या है हमारे पास, एक डिफाइनिंग फीचर। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन ए लिविंग बॉडी, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। मेटाबॉलिज्म हमेशा किस में होगी, लिविंग बींग्स में होगी। कोई भी जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को शो नहीं करेगा। फोर्थ पे चलते हैं हम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। तो कोई अगर हम बात करें कि लाइफ के बारे में, तो सेल है वो हमारी लाइफ की क्या है, सबसे बेसिक यूनिट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स के बने होंगे, हो सकता है वो यूनिसेलुलर हो या फिर हो सकता है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, उसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, अब खुद के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने में एंड इनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी जो असेंशियल फंक्शन है वो इनको शो कर सकता है। और सेकंड है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो इसके पास तो अपने सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, तो चाहे हम यूनिसेलुलर की बात करें चाहे मल्टीसेलुलर की बात करें, सारे ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सेल से मिलके बने होंगे। तो सेल क्या होगी, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया, एक डिफाइनिंग फीचर हो गया। लास्ट फीचर की बात करते हैं हम, कॉन्सियसनेस।
हम कॉन्सियसनेस की। तो कॉन्सियसनेस क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जितने भी स्टिमुली है उनको फील करता है, उनको सेंस करता है और वापस उनके अगेंस्ट में रिस्पोंड शो करता है। तो कॉन्सियसनेस भी क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। हमारे पास प्लांट्स हैं वो भी कॉन्सियसनेस शो करते हैं, जो एनिमल्स हैं वो भी कॉन्सियसनेस के प्रोसेस को शो करते हैं। अब इसके बाद एक नई टर्म आती है, सेल्फ कॉन्सियसनेस। ये नीट के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से यहाँ से बन सकता है कि सेल्फ कॉन्सियसनेस किस में प्रेजेंट है, ह्यूमन में प्रेजेंट है। ये किसी भी और ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन का करैक्टर होता है। अब ह्यूमन के लिए भी अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में हमारे पास एक एग्जांपल है कि जो ब्रेनडेड कोमा पेशेंट है उसमें सेल्फ कॉन्सियसनेस प्रेजेंट होगी या नहीं। तो अगर कॉन्सियसनेस की बात करें तो कॉन्सियसनेस तो उसमें प्रेजेंट होगी, लेकिन सेल्फ कॉन्सियसनेस प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसकी बॉडी पार्ट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका ब्रेन कैसा हो चुका है, डेड हो चुका है। और जितने भी हमें जो मैसेज मिलते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के, वो सारे ब्रेन के थ्रू मिलते हैं। तो जो ब्रेन डेड कोमा पेशेंट है वो कॉन्सियसनेस तो शो करेगा लेकिन सेल्फ कॉन्सियसनेस को शो नहीं करेगा। सो अब तक हमने 3 to 4 क्वेश्चंस की बात कर ली। उसके बाद हम चलते हैं लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी पे। तो अब तक 1.7 टू 1.8 मिलियंस या 17 टू 18 लेख स्पीसीज हैं वो डिस्कवर हो चुकी, जिसमें प्लांट स्पीसीज भी हैं, एनिमल स्पीसीज भी हैं, इसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो सारी स्पीसीज इनमें इंक्लूडेड हैं। अब हम बात करें कि इन स्पीसीज में जो 10 लेग स्पीसीज हैं वो सिर्फ किसकी प्रेजेंट है, इंसेक्टा ग्रुप की प्रेजेंट है, जो कि एनिमेलिया किंगडम का एक टैक्सोन या फिर उसका एक छोटा सा ग्रुप है। अब हम बात करते हैं टैक्सोनोमी की, कि टैक्सोनोमी क्या है। तो टैक्सोनोमी एक ऐसी ब्रांच है जो किसके साथ में डील करेगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के करेक्टराइजेशन, उसके आइडेंटिफिकेशन, उसके क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, इनके प्रिंसिपल्स और इसके प्रोसीजर के साथ में जो डील करेगी जो ब्रांच, वो ही हमारे पास क्या हो जाएगी, टैक्सोनोमी। अब फर्स्ट हमारे पास आता है करेक्टराइजेशन। तो इसमें हमने क्या देखा था कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो आउटर करेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, उनको हम स्टडी करेंगे, तो वो तो हो जाएगा करेक्टराइजेशन। करेक्टर देखने के बाद हम ये आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से ग्रुप या कौन से टेक्सा के साथ में सिमिलैरिटी शो कर रहा है, तो वो ही क्या हो जाएगा हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन। थर्ड है क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, जब हमें पता चल गया कि वो कौन से ग्रुप के साथ में आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उसी ग्रुप में उसे हम क्लासिफाई कर देंगे, वो ही प्रोसेस हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट है नोमेनक्लेचर, कि अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म है तो उसे नोमेनक्लेचर कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके किसी भी ऑर्गेनिज्म का है वो नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो अब देखो ये 4 स्टेप्स हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके नीट में क्वेश्चन बन सकता है। या तो आपको ये 4 स्टेप्स में से कोई भी एक स्टेप देके इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि करेक्टराइजेशन के डेफिनेशन क्या है या फिर आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से आपको करेक्ट देखना होगा कि कौन से ऑप्शन में आपके पास इसकी डेफिनेशन है। या फिर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो 4 स्टेप्स हैं इनका जो आपके पास जो क्रम है इसकी अरेंजमेंट को चेंज कर देगा। जैसे हमारे पास क्या है, CIC N, ये 4 है ना, सी मीन्स करेक्टराइजेशन, सेकेंड सी मीन्स आइडेंटिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ है नोमेनक्लेचर। हमें इसे इसी फॉर्म में लर्न करना है। एग्जाम में हो सकता है कि इसके क्रम को चेंज करके मीन्स की करेक्टराइजेशन के बाद में डायरेक्टली क्लासिफिकेशन दे दे, तो इनको चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें इसके जो सीरियल है, इसका जो सीरीज है, उसे लर्न करना है कि पहले कौन आएगा एंड बाद में कौन है। नेक्स्ट हम बात करें टैक्सोन की। सो टैक्सोन क्या है हमारे पास, सिंगुलर है टैक्सोन, प्लूरल है टेक्सा। सो टैक्सोन क्या, एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिसमें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हम सिस्टमैटिक्स की बात करें तो ये एक ऐसी साइंस है जो कि जितने भी टैक्सोन हैं इनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेगा। अब हमारे पास नोमेनक्लेचर के कुछ एक रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट नोमेनक्लेचर को प्रपोज किसने किया था,
कैरोलस लिनाइस ने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और उनका सिस्टम कौन सा था? बाइनोमियल। अब हमारे पास दो टर्म और आती है, आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। अगर किसी भी बॉटनिकल नोमेनक्लेचर करना है तो वो किसके थ्रू करेंगे? आईसीबीएन, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, एंड आईसीजेडएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर के हमारे पास कुछ एक रूल है। फर्स्ट है कि कोई भी अगर साइंटिफिक नेम होगा तो वो कौन सी लैंग्वेज में होगा? लैटिन लैंग्वेज में। सेकंड है कि जो भी हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? हमेशा इटैलिसाइज्ड, यानी कि इटैलिक फॉन्ट में उसे लिखा जाना चाहिए। थर्ड है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके नेम के अंदर टू वर्ड्स आएंगे, फर्स्ट आएगा जेनेरिक नेम एंड सेकेंड आएगा स्पीसीज नेम। एग्जाम्पल की हम बात करें, मैंगो लें तो मैंगो का साइंटिफिक नेम हो गया मेंजीफेरा इंडिका। फर्स्ट नेम कौन सा हो गया? जेनेरिक नेम। एंड सेकंड नेम कौन सा हो गया? स्पीसीज नेम। ऐसे ही पोटेटो में देखें तो सोलेनम ट्यूब्रोसम, सोलेनम क्या हो गया? जेनेरिक नेम, एंड ट्यूब्रोसम हो गया स्पीसीज नेम। अब नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि किसी भी वर्ड में जो ये जो दो वर्ड हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो इसका जो फर्स्ट जेनेरिक नेम है इसका फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, एंड स्पीसीज का फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा स्मॉल होगा। सो ये हमारे पास नोमेनक्लेचर के कुछ एक रूल्स होंगे, इन्हें भी हमें लर्न होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नोमेनक्लेचर के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो स्टेटमेंट में आपको अलग अलग रूल दे रखे होंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से रूल है वो सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी में हमारे पास कुछ एक जो ऑर्गेनिज्म है उनके साइंटिफिक नेम दे रखे हैं। मैंगो अभी हमने बात की थी, मेंजीफेरा इंडिका, उसके आगे एनसीईआरटी में लीन वर्ड लगा रखा है। लीन मीन्स क्या हुआ? जो साइंटिस्ट थे लिनायस, उनके लिए है क्योंकि उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम दिया था और उन्होंने मैंगो को साइंटिफिक नेम दिया था। नेक्स्ट हम बात करें हाउस फ्लाई की, तो नाम हो गया मस्का डोमेस्टिका, वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, एंड ह्यूमन मेन का साइंटिफिक नेम हो गया होमो सेपियंस। अब हम चैप्टर के सेकंड पार्ट पे आते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो कौन कौन सी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है हमारे पास? 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अब यहाँ से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सी है? तो कौन सा है हमारे पास? स्पीसीज है वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, एंड सेकेंड स्पीसीज है वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, एंड सबसे बिगेस्ट यूनिट कौन सी है हमारे पास? किंगडम। अब हम बात करें कि अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आते जाएंगे किंगडम से स्पीसीज की साइड में, तो क्या हो जाएगा? सिमिलरिटीज है वो बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? कि किंगडम में तो क्या हो जाएंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब धीरे धीरे हम उसे फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में, इनमें डिवाइड कर देंगे, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स कम होते जाएंगे और उनमें सिमिलैरिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं हायरार्की। तो हायरार्की क्या है? अभी अपन ने जो अलग अलग टैक्सोन की बात की, हमारे पास 7 टैक्सोन थे, कैटेगरीज थी, इनको या तो डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना या असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना, ये हमारे पास क्या है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब हम मैंगो एंड वीट इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है मैंगो का। सो देखो मैंगो का किंगडम कौन सा आ गया? मैंगो एंड वीट दोनों क्या है? प्लांट है, तो किंगडम कैसा हो गया दोनों का? प्लांटी। उसके बाद में डिवीजन कौन सा है दोनों का? एंजियोस्पर्मी। क्लास की बात करें तो मैंगो का जो सीड है उसमें 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कैसा होगा? डाइकोटिलेडनी। एंड वीट कैसा हो गया? मोनोकोटिलेडनी। ऑर्डर की बात करें तो मैंगो का ऑर्डर है सेपिंडेल्स एंड वीट का है पोएल्स। फैमिली मैंगो की है एनाकार्डिएसी एंड वीट की है पोएसी। जीनस क्या है? मेंजीफेरा। एंड स्पीसीज क्या हो गई? इंडिका। वीट की बात करें तो जीनस हो गया ट्रिटिकम एंड स्पीसीज हो गई एस्टिवम। ये हमें लर्न होने चाहिए दोनों, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम में पूछ सकता है कि जो मैंगो है उसका ऑर्डर कौन सा है या वो उसका जीनस कौन सा है, उसकी फैमिली कौन सी है, तो ये हमें कंप्लीट दोनों एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा हमारे पास एक एक एग्जाम्पल और है, एक प्लांटी किंगडम का और एक एनिमेलिया किंगडम का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लांटी किंगडम का। तो प्लांटी में किंगडम में कुछ डिवीजन या फाइलम बता रखे हैं, फर्स्ट एब्रायोफाइट, सेकंड टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फर्दर 2 क्लास में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट मोनोकोटिलेडनी एंड सेकंड डाइकोटिलेडनी। अब डाइकोटिलेडन को फिर फर्दर ऑर्डर में डिवाइड कर रखा है, एक तो है पॉलीमोनियल्स एंड एक है सेपिंडेल्स। अब पॉलीमोनियल्स है उसको सोलेनेसी,
कॉन्वोवुलेसी इन टू फैमिली में डिवाइड किया हुआ है एंड सेपिनडेल्स को एनाकार्डियेसी में डिवाइड किया हुआ है। तो इसका एग्जांपल हमने मैंगो भी देखा था, तो इसके बाद हम अभी नहीं कर रहे, हम चलते हैं सोलेनेसी पे। सो सोलेनेसी है, उसके हमें थ्री जीनस बता रखे हैं, फर्स्ट सोलेनम, सेकेंड पिट्यूनिया एंड थर्ड जेट्यूरा। अब सोलेनम को फर्दर थ्री स्पीसीज में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट है सोलेनम नाइग्रम मकोई, सेकंड सेलोनम ट्यूब्रोसम पोचेटो एंड थर्ड सोलेनम मेलोंजिला ब्रिंजल। ये एग्जाम्पल भी हमें लर्न होने चाहिए एग्जाम में, इन तीनों के भी साइंटिफिक नेम या इनका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में डिस्क्राइब कर रखा है। इसी के साथ बच्चों मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप चाहो तो हमारे हैंड रिटन नोट्स को पीडीएफ कॉपी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पासवर्ड जो है वो रहेगा पढ़ाईगिरी, जिसमें पी और जी कैपिटल लेटर में होंगे, बाकी सभी स्मॉल लेटर में होंगे। जैसे अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ तो पी एंड डी दो कैपिटल लेटर हैं, बाकी सारे स्मॉल लेटर हैं। चलो वापस हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास एनिमेलिया किंगडम का। सो एनिमेलिया किंगडम के अंदर टू फाइलम डिवाइड कर रखे हैं, फर्स्ट है नॉन कॉर्डेट एंड सेकेंड है कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा के अंदर अलग अलग फाइव टाइप की क्लासेस डिवाइड कर रखी है, एवीज, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अब मैमल्स है उसे अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट ऑर्डर बता रखा है प्राइमेटा एंड सेकंड है कार्निवोरा। अब कार्निवोरा ऑर्डर को फर्दर फिर टू फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट है फेलिडी एंड सेकंड है कैनिडी। कैनिडी का एग्जांपल है डॉग्स। अब फेलिडी की बात करें तो फेलिडी को फर्दर जीनस में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट पैंथेरा जीनस एंड सेकेंड फेलिस। फेलिस का एग्जाम्पल है कैट्स। एंड पैंथेरा की बात करें तो इसके इसमें हमें फिर से थ्री स्पीसीज की बात करनी है, फर्स्ट है पैंथेरा लियो जो कि क्या है लायन, सेकंड है पैंथेरा पार्डस जो है लियोपर्ड एंड थर्ड है पैंथेरा टाइग्रिस जो है टाइगर। सो ये हमारे पास दो और एग्जांपल हो गया, एक हो गया प्लांटी किंगडम का और एक हो गया एनिमल किंगडम का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चैप्टर के, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। सो एड्स हमारे पास क्या होती है, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं टैक्सोनॉमी को आइडेंटिफाई करने में या किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में। सो फर्स्ट हमारे पास एड है हर्बेरियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि हर्बेरियम में क्या क्या जो डिटेल्स हैं वो होनी चाहिए या फिर जो हर्बेरियम शीट है उसकी साइज क्या होनी चाहिए, इन दो से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर्बेरियम से। सो हर्बेरियम क्या हमारे पास एक ऐसा स्टोर हाउस है जिसमें प्लांट स्पेसिमेंट्स को रखा होगा ड्राइड एंड प्रिजर्वड कंडीशन में, एक शीट के ऊपर पेस्ट किया होगा, तो वही हमारे पास क्या है हर्बेरियम। और हर्बेरियम की जो स्टैंडर्ड साइज है वो कितनी होनी चाहिए, 11.5 टू 16.5 इंच शीट की साइज होनी चाहिए हर्बेरियम की। अब हर्बेरियम में हम देखें कि क्या क्या मेंशन होना चाहिए एक हर्बेरियम शीट पे। सो फर्स्ट तो क्या होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए कि कौन सी डेट के ऊपर आप किसी प्लांट को कलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद आप उसे कौन से प्लेस से कलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद में उसका इंग्लिश नेम लिखा होगा प्लांट का, लोकल नेम लिखा होगा, उसके बाद उसका बॉटेनिकल नेम होगा, उसके बाद उसकी फैमिली बताई होगी उस प्लांट की, एंड सबसे लास्ट में कि उस प्लांट को किसने कलेक्ट किया उस कलेक्टर का नेम होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आपको लर्न होना चाहिए कि एक हर्बेरियम शीट में क्या क्या मेंशन होता है। सेकंड एड के बाद हम बात करें कि बॉटेनिकल गार्डन। हर्बेरियम में तो हमने क्या देखे थे, सारे कैसे थे ड्राइड या फिर डेड कंडीशन में प्लांट्स थे। अब बॉटेनिकल गार्डन में हमें क्या देखने को मिल जाएंगे, जितने भी जो लिविंग प्लांट हैं वो हम सब कहाँ देख सकते हैं, बॉटेनिकल गार्डन में देख सकते हैं। अब बॉटेनिकल गार्डन में जो प्लांट लगे होंगे उनके साथ में उसके बॉटेनिकल नेम और उसकी फैमिली को मेंशन करके एक लेबलिंग लगी होगी या एक बोर्ड लिखा होगा, जिसके थ्रू हम उस प्लांट के बारे में कंप्लीट स्टडी को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम, मीन्स कि हमने प्लांट्स की बात कर ली कि डेड प्लांट्स कहाँ मिलेंगे हर्बेरियम में एंड लिविंग प्लांट्स कहाँ मिलेंगे में बॉटेनिकल गार्डन में। अब हम एनिमल्स पे चलते हैं,
तो बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम के अंदर हम विजिट करके आते हैं तो हमें पता है म्यूजियम में प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को प्रिजर्व किया जाता है, दोनों के स्पेसिमेंस होते हैं जिन्हें हम स्टडी के रेफरेंस के लिए रखते हैं। अब इसमें जो स्पेसिमेंस होते हैं वो ड्राइड कंडीशन में भी रखा जाता है, हो सकता है वो प्लांट्स हो और एनिमल्स दोनों हो सकते हैं। अब स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए कुछ एक कंटेनर यूज में आते हैं, जार को यूज में लेते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन फिल होता है जिसमें प्लांट और एनिमल उनके स्पेसिमेन है वो रखे जाते हैं। इसके अलावा अगर इंसेक्ट को प्रिजर्व करना है तो उसके लिए इंसेक्ट बॉक्स आता है जिसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो इंसेक्ट को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे किल करेंगे और उसके बाद उसे पीनिंग से स्टेबल कर देंगे। अगर हमें और ज़्यादा लार्जर एनिमल्स को अगर स्टोर करना है लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स है तो इनको हम क्या करेंगे, मोस्टली स्टफिंग की प्रोसेस के थ्रू प्रिजर्व रखेंगे। इसके अलावा म्यूजियम है उसमें मोस्टली जो एनिमल्स हैं इनके स्केल्टन वगैरह भी कलेक्टेड हमें मिलते हैं। जैसे कि हम बायोलॉजी लैब की बात करें तो उसमें ह्यूमन का जो कंप्लीट स्केल्टन होता है वो हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट फोर्थ एड पे चलते हैं, दैट इज जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या होगा, जूलॉजिकल पार्क कुछ भी नहीं है, सिंपल हमारा जो जू होता है वही होता है जिसमें एनिमल्स को लाइव कंडीशन में पिंजड़ों में रखा जाता है। और मोस्टली जूस के अंदर क्या होगा कि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है कोशिश की जाती है कि उनको जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो प्रोवाइड करवाया जाए। अब नेक्स्ट फिफ्थ एड पे चलते हैं, दैट इज की। की काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो की हमारे पास क्या है, सपोज की हमारे पास ये एक हिंट है जिसके थ्रू हम किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी सिमिलैरिटीज़ या फिर उसकी डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। अब जो की है वो किस पे बेसिस होगी, उसमें हमें दो स्टेटमेंट एक साथ में मिलते हैं जो कि आपस में कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स पे बेसिस होंगे और उन दोनों स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, कपलेट। और हर एक कपलेट में क्या प्रेजेंट होगी, एक लीड प्रेजेंट होगी। अब की हमारे पास की क्या है, एक एनालिटिकल एड है। अब नेक्स्ट एड की बात करते हैं, फ्लोरा। फ्लोरा को हम फ्लावर से याद कर सकते हैं। फ्लोरा में क्या मिलेगा, सिर्फ प्लांट स्पीसीज का जो डिस्क्रिप्शन है वो मिलेगा एक पर्टिकुलर एरिया का। नेक्स्ट हम मैनुअल्स की बात करें, सो मैनुअल्स में हमें किसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो या फिर माइक्रोब्स या किसी भी किंगडम की कोई भी स्पीसीज हो, उन सब का अगर डिस्क्रिप्शन देखना है तो वो किस में मिल जाएगा, हमें मैनुअल्स में मिल जाएगा। मैनुअल्स के बाद हम बात करें मोनोग्राफ। मोनो मीन्स क्या हो गया, सिंगल। तो अगर किसी एक सिंगल टैक्सन की हम कंप्लीट स्टडी करें उसका डिस्क्रिप्शन हमें किस में मिल जाएगा, मोनोग्राफ में। नेक्स्ट हम फाइनल बात करते हैं कैटलॉग की। तो कैटलॉग क्या है, इट इज ए स्मॉल बुकलेट विच प्रोवाइड ए लिस्टिंग ऑफ ऑल स्पीसीज ऑर्गेनाइज्ड इन ए सम वे। ऐसी बुकलेट है जिसमें जितने भी जो स्पीसीज प्रेजेंट होंगी उनकी स्टार्टिंग में एक लिस्ट बनी हुई होगी, उनको एक सिस्टमेटिकली अरेंज किया होगा। हो सकता है वो कैसे अरेंज हो, अल्फाबेटिकली एंड टेक्सोनॉमिकली ऑर्गेनाइज लाइक टिपिकल फ्लोरा की। फ्लोरा के अंदर जैसे स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं उन सबको हमें एक स्टार्टिंग में एक लिस्टिंग के थ्रू अगर सिस्टमेटिकली अरेंज कर देते हैं तो वो ही हमारे पास क्या हो गया, कैटलॉग हो गया। अब देखो सबसे लास्ट में हमारे पास कुछ एक बॉटेनिकल गार्डन्स के नेम हैं। सो फर्स्ट बॉटेनिकल गार्डन की बात करें तो फर्स्ट बॉटेनिकल हमारे पास गार्डन कहाँ है, क्यू लंदन में। नेम क्या है उस गार्डन का, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है। सेकंड है हमारे पास दो इंडिया के गार्डन भी दे रखे हैं। फर्स्ट है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो कहाँ है, हावड़ा इंडिया में, एंड सेकंड है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ है, लखनऊ इंडिया में। अब ये तीनों बॉटेनिकल गार्डन भी हमें लर्न होने चाहिए। इसी के साथ हमारा द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट होता है।